डायरेक्टर साहब फुल स्क्रीन पर करिएगा अजीम साहब को, चैंपियन साहब आपके साथ है, चैंपियन साहब से खुलकर बात करिए कि क्या लग रहा है, चैंपियन साहब से खुलकर बात करिएगा। अजीम साहब ओवर टू यू। जी चैंपियन साहब क्या लग रहा है? चुनाव के बाद रिजल्ट के बाद बताएंगे, मत करना क्या क्या बताएं आपको। नहीं टेंशन का थोड़ा बताइए कि टेंशन क्या है, कितनी क्या आश्वस्त है कि नहीं। चार-चार बात से विधायक हैं क्या, अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं? देखिए सब होते हैं, जितने लड़ते हैं चुनाव सब जीत के प्रति आश्वस्त होते हैं, नतीजा बताता है। लेकिन चैंपियन साहब इस बार खबरों का बाजार काफी गर्म रहा आपको लेकर, और ऊपर वाले का रहम रहता है, सब पे ईश्वर कृपा रहेगी, पांचवी बार भी विधानसभा पहुंचा जाएगा। इस बार तो आपका टिकट काट दिया गया धर्मपत्नी, इस बार टिकट तो नहीं काटा नहीं, गलत विधानसभा में आप पत्रकार हैं, आप नहीं जा रहे धर्मपत्नी जा रही है। हाँ तो एक ही बात है, परिवार तो एक ही है और पत्रकार है, आपको पता होना चाहिए कि मैं दो साल से अपने धर्मपत्नी का टिकट मांग रहा था, टिकट काटा नहीं है, मैंने कहा है क्योंकि मेरे पैर में फ्रैक्चर था, मैं चलने फिरने में दिक्कत थी, वो तो आज भी दिखाई दे रहा है। तो आप गलत कह रहे हैं ना, काटा नहीं है, स्वेच्छा से हमने कहा है नारी शक्तिकरण के लिए, दो साल से पत्रकार सब छाप रहे थे। अरे चैंपियन साहब, चैंपियन साहब वो सब छोड़िए, चैंपियन साहब ये बताइए कि आश्वस्त कितने हैं आज? सबको पता है चैंपियन साहब, चलो सब बात छोड़िए, आज आश्वस्त कितने हैं अपनी जीत के? 100% है भाई, कितना क्या मतलब, कोई शक थोड़ी है, काम किया है 20 साल, अदम्य विकास किया है, एक्सेप्शनल वर्क किया है, जो कर नहीं पाया और ना कर सकता है, जबान से नहीं कहना चाहिए लेकिन जो बात है वो जाहिर है, सबको पता है उस बारे में। चलिए ठीक है, दबंग छवि है चैंपियन साहब की भी, चैंपियन साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चार तो भी आ गए अजीम साहब, आगे बढ़ेंगे। जी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, थैंक यू सो मच।